Mark 4 in arrow formation, led by Group Captain Deepak Vishnoi. The Apaches are from 125 Helicopter Squadron. Gladiators, being captained by Group Captain Anand Kumar Yadav and Wing Commander Hashir Habib, Vayu Sena Medal, with Squadron Leader Raghi Ramachandran as the co-pilot. And following them were Wing Commander Rupendra Kumar Mishra and Wing Commander Sushil Khajuria in the indigenously designed and developed helicopters of the 116 Helicopter Unit, known as the Tank Busters. प्रेजेंट फॉर्मेशन के बाद अगली फॉर्मेशन होगी संगील. ये दृश्य कैसा दिखता है, ये फॉर्मेशन आपके लिए खास तौर पर इनको रिकॉर्ड किया गया और इस समय आप देख सकते हैं कुछ ही देर में यहाँ पर हेरिटेज फ्लाइट का टकोटा विमान और दो जौने विमानों के साथ एक फॉर्मेशन में यहाँ से गुजरेंगे. 1971 के भारत पाक युद्ध में वायुसेना की ट्रांसपोर्ट टीम की शानदार भूमिका को संगील या ड्रॉप से याद करते हुए इस फॉर्मेशन का नाम रखा गया है. विंग कमांडर एके सिंह और विंग कमांडर एच गाला डकोटा विमान को उड़ा रहे हैं. संगील चू डॉनर विमान है, उसकी कमान विंग कमांडर शुभम मिश्रा के हाथों में, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट साई श्रद्धा. और जो दूसरा डॉनर विमान होगा उसमें स्क्वाड लीडर निकिता मल्होत्रा और उनके को पायलट राइट लेफ्टिनेंट एन गुरुनाथन. तंगेर फॉर्मेशन, निगाहें आकाश की ओर, राष्ट्रपति भवन की तरफ. वहां आकाश में एक एक करके ये हवाई जहाज कर्तव्य पथ की ओर पहुंचे. कर्तव्य पथ के ऊपर अर्जन फॉर्मेशन, एयरफोर्स के मार्शल अर्जुन सिंह के नाम पर ये फॉर्मेशन. कर्तव्य पथ पर धूप तो निकल आई है लेकिन अभी आकाश में धुंध बाकी है, इसलिए ढूंढना पड़ता है इन फॉर्मेशंस को. लेकिन उत्सुकता बरकरार और ये अगली फॉर्मेशन नेत्र फॉर्मेशन, ये उसके दृश्य जो पहले रिकॉर्ड किए गए हैं और इस समय हमें देख सकते हैं आकाश में नेत्र, आकाश में आंखें चाहिए तो के लिए एयर विमान इस फॉर्मेशन की अगुवाई करेगा. स्वदेशी निगरानी सिस्टम से लैस ये अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल है. ये शत्रु के विमान को बहुत दूर से पहचान कर अपने लड़ाकू विमानों को नष्ट करने का निर्देश दे सकता है. विमान के दोनों तरफ मल्टीरोल सुखोई 30 MKI फाइटर विमान. Going faster, saluting way, the nature formation. Eyes in the sky. Embraer की कमान, ग्रुप कैप्टन एस गुणशेखरन. सुखोई 30 में ग्रुप कैप्टन उत्तर कुमार और विंग कमांडर मनीष जाखर विंग फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरे. You know, viewers, the special shots that we are bringing for you, the pre-recorded ones, are the closest that most of us can get an experience of actually being in one of these aircraft and flying them. Here, these are shots of the Varuna formation. Kartavya Path will now resonate with excitement. Varuna is the god of sea and rain, the deity of the coastal landscape, and according to an Indian Navy,
उन फॉर्मेशन के बाद अगली फॉर्मेशन है भीम, और ये भीम फॉर्मेशन के दृश्य जो हमने रिकॉर्ड किए हैं, ये कॉकपिट से किस तरह दिखता है आकाश और ये फॉर्मेशन शक्ति का प्रतीक भीम, और इस फॉर्मेशन की अगुवाई भारी और शक्तिशाली ट्रांसपोर्ट विमान C-17 कर रहा है। वायुसेना के C-17 विमान की कमान ग्रुप कैप्टन समीप निझावन के पास है, और इसके साथ दो Sukhoi-30 विमान स्क्वाड लीडर अमित कुमार यादव और विंग कमांडर अक्षय अरुण महाले की कमान में कुछ ही देर में यहां कर्तव्य पथ के ऊपर से घुसे। This is the beam formation, which our cameras are now going to catch for you. So as we shared earlier, it's a cloudy sky, and the pre-recorded visuals are definitely very clear, giving you clarity. But today, so we all did pray to the sun gods, but yes, we got some, but we didn't get some. Now we have the Amrit formation, and these are views that you can see of that, all jaguars. Formation derives its name from Amrit Kaal, India's vision for 2047. Along with his wingman, Wing Commander Manorath Sabarwal, Wing Commander Vishwanathan Naga, Wing Commander Jay Krishnan, Squadron Leader Akash Karpe, and Wing Commander Chakrapani Kajla, all from the 14th and 5th Squadrons. Kushal ho gaye 6 Jaguar Viman, Group Captain Nagendra Abhishek ki command. Agli formation, Vajrang, Bharatiya Vayu Sena ke 6 Rafael Ladaku Viman. फॉर्मेशन में ये दृश्य कॉकपिट से, फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन अभिषेक त्रिपाठी ने, उनके साथ विंग कमांडर चैतन्य सूर्यवंशी, स्क्वाड लीडर यश सावलकर, विंग कमांडर अमित वर्मा, स्क्वाड लीडर सुशील शिंदे और स्क्वाड लीडर विजय चांदगुड़े। All Rafael aircrafts, the Vajrang formation, meaning diamond-bodied, showcasing 6 Rafael fighter aircraft of the Indian Air Force, led by Group Captain Abhishek Tripathi, with his wingmen, Wing Commander Chaitanya Suryavanshi, Squadron Leader Yash Sawalkar, Wing Commander Amit Verma, Squadron Leader Sushil Sinde, and Squadron Leader Vijay Chandgare, all from 101 Squadron, known as the Falcon. से कुछ ही देर में तीन Sukhoi-30 एमकेआई लड़ाकू जहाज त्रिशूल फॉर्मेशन में गुजरेंगे, 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, बुराई का नाश करने के लिए त्रिशूल फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन सचिन अरोड़ा, और उनके साथ ग्रुप कैप्टन ओमर ब्राउन और विंग कमांडर नवजोत सिंह। As these Su-30s go past the saluting base, flying at these heights and speeds, the pilots are rigorously trained to handle extreme physical and mental pressure. And the focus and expertise with which they fly, maneuver, change direction and speeds at these heights requires unparalleled courage, determination and passion for flying.